महक। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर ये टेररिस्ट है। महक, माँ के ये लोग हमें भी गोली मार देंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ से रेंग के वहाँ पे जाके छुप जाओ, मेरा वेट करो। धीरे धीरे जाना। अच्छा हुआ तो तू भी आ गया। शौर्य! बचाओ, बचाओ मुझे महक। शौर्य तुम ठीक तो हो ना? शौर्य, 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 ये तो वही टेररिस्ट है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी। चिल्लाना मत, वरना वो हाल करूंगा कि दोबारा तेरे गले से आवाज नहीं निकलेगी। जीजी, ये आदमी तो हमको वो नए माली जैसा लग रहा है। क्या, ये क्या कह रही है डॉली तुम? हाँ जीजी, ये वो ही है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? बकवास बंद करिए। लला, हम सच कह रहे हैं, जे वो ही आदमी है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये आप ही के घर में छिपा था। ऐसे लोग बड़े मिशन को अंजाम देने से पहले फेक आइडेंटिटी के साथ किसी के घर में छिपकर रहते हैं। सर, ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही कि कैसे खतरनाक टेररिस्ट आपकी गिरफ्त से भाग गया, वो भी अरेस्ट होने के फौरन बाद। देखिए खन्ना साहब, ये पुलिस को चकमा देकर निकला, लेकिन अब कहीं नहीं जा पाएगा। इसके घुटने तो मैं पर्सनली तोड़ूंगा। आप बेफिक्र रहिए, लेकर चलो इसे। सर, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये टेररिस्ट हमारे घर पर क्या कर रहा? आई मीन, ये तो सोचने वाली बात कि इतना बड़ा रिस्क लेकर ये यहां क्यों है? जाकर कहीं और भी छुप सकता था, खासकर तब जब इसके सारे के सारे साथी पुलिस के पास, और पुलिस इसको भी ढूंढ रही थी। कोई तो बात है जो हमारे सामने नहीं आई। वाह, क्या बात है हा? तो अब तुम ब्योमकेश बख्शी बन रहे हो। वो इसलिए आया था क्योंकि उसको बदला लेना था। मैंने और मैग्नेस का प्लान जो बिगाड़ दिया था। जरा बात कहने से पहले ना अपना दिमाग चेक कर लिया करो। कोई और वजह तो हो ही नहीं सकती। बदला लेने आया होगा, उसके साथ ही पकड़े गए ना। देखा नहीं कैसे बौखलाया हुआ था। लेकिन सर, ये लोग ठीक लोग नहीं है। आई मीन, कुछ दिनों के लिए आप हमारे घर और रेस्टोरेंट में पुलिस प्रोटेक्शन दे दीजिए प्लीज। स्टॉप इट विक्की। ये फैसला तुम तब लेना जब खुद का रेस्टोरेंट घर बनाओगे। सॉरी, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे 24 घंटे अपने रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। बाकी रेपुटेशन नाम की भी कोई चीज होती नहीं होती है। बहन जी, अब बात ना मोहल्लेदारी में बदनामी पर आ चुकी है। अब जल्दी से जल्दी इन दोनों की शादी करनी पड़ेगी। और इस तरह की बातें जी छुपाए नहीं छुपती हैं। कुछ दिनों में तो निहल का घर से निकलना मुश्किल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कांता जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ये सिर्फ आप ही की इज्जत का नहीं, हमारी इज्जत का भी मसला है। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता, प्लीज अब और देर ना करिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए बहन जी, अब जल्दी जल्दी कह के कितना जल्दी कर ले। अभी तो बिक्की लल्ला का तलाक भी नहीं हो पाया है, और हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि तीन बार तलाक 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 कह दी तो तलाक हो गया। तो कानूनी तौर पे तलाक लेना पड़ेगा, फिर जाके ब्याह होगा। हाँ, और रहा सवाल इज्जत का, तो उसके लिए तो लड़की को ढील देने से पहले सोचनी चाहिए थी। भैया, इन सारी लिस्ट पर आपके अप्रूवल चाहिए, और भाभी दोपहर तक आएगी, तब उनके अप्रूवल भी ले लूंगा। दोपहर को क्यों? भैया, वो शादी की शॉपिंग पर गई है।
देगी। इस प्रोजेक्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना, शादी की शॉपिंग ही होगी, लेकिन शादी नहीं। समझ गए तुम? हाँ जी भैया। अच्छा सुनो, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मगर भैया आप तो अभी आए थे और नए रिक्रूट्स के इंटरव्यूज भी लेने। देखिए वो एक घंटे बाद है, मुझे कुछ काम है, तब तक मैं आ जाऊंगा। और अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम शुरू कर देना। भाई इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को लेकिन ले रहे? भैया क्या हुआ, आप ठीक तो? कुछ अभी ठीक नहीं लग रही है, कुछ देर आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, आता हूं मैं भी। ठीक है भैया। किनारी बाजार चलते हैं, वहाँ पे रेट और डिजाइन दोनों अच्छे हैं। अरे नई सड़क देख लेते हैं, वहाँ भी अच्छा सामान मिलता है। अरे नहीं, सबसे पहले ना मीना बाजार चलते हैं, सबसे अच्छा ब्राइडल कलेक्शन वहीं मिलेगा। माँ अब नेहल सुन ना, तुझे अनियन पिंक पसंद है या फ्यूशिया? नहीं दी, मुझे तो ब्लड रेडी बेस्ट लगता है। नहीं नहीं पिंक में दे। माँ सुनो ना। क्या हुआ नीबू, देखो ना हम बातें कर रहे हैं। माँ मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बहुत ही ज्यादा। नीबू अभी तो हम घर से बाहर आए हैं, क्या तुझे सड़क के किनारे बिठाऊं? घर से 10 मिनट ही तो दूर आए हैं, घुमा लेते हैं गाड़ी। नीबू तू बस पेट को कस के पकड़ के बैठ, हम अभी वापस जाते हैं। अच्छा ठीक है, ड्राइवर भैया गाड़ी घुमा लेंगे। रोज जंक फूड खाते हो ना, उसकी वजह से हो रहा है तुम्हारा पेट खराब। दी जल्दी चलो, वरना ये नींबू आलू का पकौड़ा पैंट में पकौड़े तल देगा। सुनो सर, सब कहाँ हैं? सर सब टॉपिक पे गए हैं। सुनो मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल पे रहूंगा, देखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जी सर। ड्राइवर अंकल जल्दी चलाओ ना, मुझे बहुत ही जाना। तुम ठीक हो ना? शौरी, दरवाजा खोलो। शौरी, दरवाजा खोलो। मोटा भाई मैं कह रही, प्रीति के सर में दर्द था, तेजस्विनी ने मुझे जो दवाई दी वही मैं जाके प्रीति को दे आई, तो वो दवाई खाने के बाद ही प्रीति की यह हालत हुई है। इस दवाई में ही कुछ गड़बड़ थी। एक काम करते हैं तेजस्विनी बेटा, तू वो दवाई लेके आ, डॉक्टर को दिखा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट मोटा भाई, मैं जाके दवाई लेके आ। कुछ खफा सी लग रही है। मैंने और आपके बीच क्या चल रहा है, उसे अपने साथ मामा के घर ले जाना, अपने साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाना। Are you jealous? आप मेरा जवाब देंगे या नहीं? नरेंद्र नहीं, ये नैना और मेरा सीक्रेट है। जब तुम सीक्रेट रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम्हें भी तो पता चले कि सवालों के साथ जीना कैसे लगता। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना, अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं तो चीख चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ, वो मान ही नहीं रहा। और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती, मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। तुम्हें कितनी बार कहा, जब आसपास कोई नहीं होता तो इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ शर्ले। आदित्य
आदित्य जिंदल की विधवा होने के नाते मेरा इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना जिंदल परिवार के हर एक सदस्य का। मैं यहाँ हूँ तो निशा मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रही होगी। हे प्रभु, मेरे जिया की रक्षा कर। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में, कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए।